बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। एक हैरत अंगेज और अनोखा वाकया। अर्ज़-ए-दौला के अमरा में से एक तुर्की नौजवान था। इसने ये हरकत शुरू की कि एक मकान की दीवार के सुराख से उस मकान में रहने वाली औरत को देखता था। इस औरत ने अपने शौहर को बताया कि ये तुर्की लड़का रोजाना बहुत देर तक इस सुराख से देखता है, इसने मेरा आराम हराम कर दिया है, यहाँ घर पर कोई नहीं होता, देखने वाला यही समझेगा कि मैं इससे बातें किया करती हूँ, मेरी समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूँ। इसके शौहर ने कहा कि तू इसके नाम एक खत लिख जिसका मजमून ये हो कि रोजाना खड़ा होना बेकार बात है, जब ईशा की नमाज के बाद अच्छी तरह अंधेरा हो जाए और लोग सोकर गाफिल हो जाएं, तो तुम घर में आ जाना, मैं दरवाजे के पीछे होंगी। चुनाचे इसके शौहर ने दरवाजे के पीछे एक गहरा गड़ा खोदा और इसके इंतजार में खड़ा हो गया। जब वो तुर्की लड़का आया और दरवाजा खुला और अंदर दाखिल हुआ तो इस औरत के शौहर ने इसको धक्का देकर गड्ढे में डाल दिया और इस पर मट्टी भर दी। इस वाकये को कई दिन गुजर गए, किसी को कुछ खबर ना हुई। एक दिन अर्ज़-ए-दौला ने दरियाफ्त किया कि फलां शख्स कहाँ है। इसको बताया गया कि इनका कुछ पता नहीं। इस पर अर्ज़-ए-दौला गौर व फिक्र करते रहे, यहाँ तक के कि इस तहकीक की उन्होंने ये सूरत निकाली कि एक शख्स को इस मौज़न को बुलाने के लिए भेजा जो इस मकान के करीब वाली मस्जिद का मौज़न था। इसने मौज़न को बज़ाहिर बहुत सख्त पकड़ा और अर्ज़-ए-दौला के सामने हाजिर कर दिया। फिर अर्ज़-ए-दौला ने आहिस्ता से इससे कहा कि ये 100 दिनार ले लो और जो कुछ हम तुमको हुक्म दें इसकी तामील करो। जब तुम अपनी मस्जिद में जाओ तो ईशा की अजान ज्यादा रात गए यानी देर से देकर मस्जिद में बैठ जाना। फिर सबसे पहले जो शख्स तुम्हारे पास आए और तुमसे तेरी गिरफ्तारी नाफिज होने की तहकीक करे तो इसकी मुझे इत्तला दे देना। इसने कहा बहुत अच्छा। तो इस मौज़न ने ऐसा ही किया तो जो शख्स सबसे पहले मस्जिद में तहकीक के लिए आया तो ये वही शख्स था जिसने तुर्की को मारा था। इसने मौज़न से कहा कि मेरा दिल तेरी तरफ लगा हुआ था और तुम्हें इस तरह गिरफ्तार करके बुलवाने से अर्ज़-ए-दौला की तुमसे क्या गर्ज थी। मौज़न ने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत है, कोई खास बात नहीं थी। जब सुबह हुई तो मौज़न ने अर्ज़-ए-दौला के पास जाकर पूरा हाल बताया। अर्ज़-ए-दौला ने उस शख्स को हाजिर होने का हुक्म दिया, ये हाजिर हो गया। इससे पूछा कि तुर्की का मामला क्या है, बयान करो। उसने कहा मैं आपसे बिल्कुल सच्ची बात कहता हूँ, मेरी बीवी बहुत पर्दादार और पाक दामन है। ये शख्स घात लगाए हुए इसको देखता था और परेशान करता था और मेरी बीवी बदनामी के खौफ से इस शख्स के खड़े रहने से परेशान हो गई, तो मैंने इसके साथ ऐसा ऐसा मामला किया और पूरी तफसील बयान कर दी। अर्ज़-ए-दौला ने कहा जाओ सुपर्द खुदा, ना किसी ने कुछ सुना और ना किसी ने तुमसे पूछा। मेरे मोहतरम अजीजों, इस वाकये से हमें सबक मिलता है कि बेशक बुरे काम का बुरा ही अंजाम होता है। अल्लाह ताला हमें इस वाकये से सबक हासिल करके बुरे अफाल से बचने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन।